नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। टोक्यो ओलंपिक के खत्म होने में अब हफ्ते भर का ही वक्त बचा है और चीन ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। उसने अब तक 24 गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर 20 गोल्ड के साथ अमेरिका है। इसमें से अकेले 11 गोल्ड तो उसने स्विमिंग में ही जीते हैं। मेजबान जापान की झोली में 17 गोल्ड आए हैं। वहीं सोमवार को भारत की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। जी हां, खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्विटर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अन्य बड़े नेताओं द्वारा महिला टीम को बधाई दी है। देश की बेटियों की इस कामयाबी पर सोशल मीडिया पर हर कोई जमकर प्यार बरसा रहा है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक का आज 10वां दिन है और भारत की झोली में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज सहित 2 मेडल आ गए हैं। पहले सिल्वर के रूप में देश की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने अपने नाम किया था, तो वहीं बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने भारत को एक कांस्य पदक दिलाया। उन्होंने चीन की ही बिंग जियाओ को हरा कर ये मेडल अपने नाम किया है, जबकि महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन के सेमीफाइनल्स में पहुंचने के साथ ही भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो चुका है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।